जेपी होम बायर्स ने आज दिल्ली के मशहूर जंतर मंतर में प्रदर्शन किया और मार्च निकाला। इस दौरान वहां तकरीबन 200 से 300 प्रदर्शनकारी मौजूद रहे। लोगों ने मोदी हाय हाय और योगी हाय हाय के नारे लगाकर अपना रोष व्यक्त किया। इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक दूसरी कंपनी में साइफन किया मनी, तो उससे हम लोगों को नुकसान है कि नहीं है। सारे 30,000 लोग फ्लैट बायर्स हैं, सबको रोड पे लाके खड़ा कर दिया। सरकार से कहना चाहूंगी, मोदी जी अच्छे दिन लाने थे, अच्छे दिन लाइए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, मिलीभगत मत करिए, मत मिलिए फ्रॉड बिल्डर से, अपना नाम खराब मत करिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करिए। आपको चुपाया है हमने, आपको हम गिरा भी सकते हैं। मैडम, अथॉरिटी ने जिस तरह से आश्वासन दिया गया, उस आश्वासन को फिर से झूठा सवाल माना जाए? बिल्कुल झूठा, इसमें सब कोई मिला हुआ है, अथॉरिटी ने इसमें मोदी योगी बिल्डर सब मिले हुए हैं। JIL, JL, JL दो बना के किसकी प्री प्लानिंग, शुरू से प्लानिंग थी फ्रॉम द ईयर 2010। जिस तरह से इन्होंने पैसा लिया, जिस तरह से इन्होंने ग्रुप बनाया, जिस तरह से इन्होंने के साथ एग्रीमेंट किया, एसोसिएट ने एग्रीमेंट किया, इंफ्रा ने पैसा लिया, इंफ्रा का पैसा सारा एसोसिएट में डाल के इंफ्रा को इंसॉल्वेंट निकले। जेपी ग्रुप के दिवालिया घोषित होने के बाद से ही हजारों होम बायर्स के अपना घर होने का सपना भी आखिरी सांसें ले रहा है। जेपी जैसे रसूखदार ग्रुप लोगों की जमा पूंजी खाकर डकार भी नहीं ले रहे हैं। वहीं अथॉरिटीज और सरकार बायर्स के साथ हो रहे अन्याय को देखकर अपनी आंखें मूंद रहे हैं। I applied for an apartment in the JP Casa Isle, and end of the road when we were supposed to get the possession of the apartment 3 years down the line, that is 2013. It is 7 to 8 years we haven't got the possession, and this seems to be a nexus between the builder, the Noida authority and the politicians. Authority, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ आशावादी नजरों से देखने वाले होम बायर्स को सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी है। ये प्रेजेंट सिचुएशन जो है, ये एक कॉर्पोरेट क्राफ्ट का बहुत बड़ा स्पॉट, कॉर्पोरेट ने गवर्नमेंट और येडा के साथ मिलकर 2012-13 से लगातार लूट मचा रखी है। 2014 से डेली बेसिस पे बायर्स का 5 करोड़ रुपए डेली बेसिस, 5 करोड़ रुपीज आर बीइंग साइफंड ऑफ बिटवीन जेल एंड जैस। हम चीटेड हो गए हैं, 90% पैसा हम लोगों ने दे दिया अपना, हम अपनी EMI भर जा रहे हैं, हम लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, हमें बताइए इस बात को। क्यों नहीं गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर सेंसिटिव होती है और हम लोगों के लिए कुछ करती है? बस मेरा रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ हमें हमारे घर बता दीजिए। महीनों से लोग जेपी और आम्रपाली ग्रुप के बैंक खातों की CBI जांच कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार मौन है। क्या सरकार की मंशा ऐसे बिल्डरों को मोहलत देने की है, जिससे वह अपने खातों से वित्तीय अनियमितता के सबूत मिटा सकें? प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मंदिर मार्ग पुलिस थाने ले जाया गया, जहां उन्हें 10-10 लोगों की टुकड़ी में रिहा किया गया। जिस तरह से आपने देखा, यहाँ पर योगी हो चाहे मोदी हो, सबकी एक तरह से जनता ने क्लास लगाई हुई है, सब उनसे दुखी है। मोदी सरकार के अच्छे दिन के वादे की यहाँ पर बात वापस की गई है, कि अच्छे दिन लाने की बात कही गई थी, मगर उनके कोई अच्छे दिन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में सबको घर देने का सपना पूरा करने की बात की, मगर आज ही अपने घर के लड़ रहे हैं, अपने घर का ठिकाना नहीं, पैसा देने के बाद भी परेशान है, उनका कोई सुनने वाला यहाँ पर। क्या आगे सरकार कोई कार्रवाई करेगी बिल्डर्स पर, इनकी सुनेगी, ये अब देखने वाली बात होगी। जिस तरह से सरकार का रवैया है, बिल्कुल भी हम ये नहीं कह सकते कि सरकार इनके साथ खड़ी है या सरकार इनकी सुन रही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।